हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली मिस्टर सौरभ मुखर्जी, जिनका नाम तो दोस्तों सब जानते ही हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो इन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया, उसमें दोस्तों दो क्वालिटी मिड कैप्स को मेंशन किया जो अगले 10 साल में 10 गुना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। इसके पीछे क्या रैशनल दिया, इसकी बात हम दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या यहाँ पर इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट हैं, क्या डायनेमिक्स हैं, कैसे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इन दोनों कंपनीज के लिए आगे हो सकती हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, तभी आप दोस्तों कन्विक्शन के साथ अपना इसमें डिसीजन ले पाएंगे। तो अच्छा लगे वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो देखिए इन्होंने इंटरव्यू क्या दिया, उसमें क्या इन्होंने मेंशन किया। तो 21 फरवरी का दोस्तों ये इंटरव्यू है, ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर बात अगले 10 साल की हो रही है तो इट इज स्टिल रेलिवेंट। अब कंपनी का नाम दोस्तों इन्होंने बताया है रिलैक्सो एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। रिसेंट मैंने टॉप मिड कैप फाइव कंपनीज बताई थी, उसमें रिलैक्सो का नाम भी शामिल था, और डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में कई बार आपके साथ में जिक्र कर चुका हूँ। तो इन्होंने इन दोनों कंपनीज के बारे में क्या यहाँ पर रैशनल दिया है, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, दे हैव अ डोमिनेंट मार्केट शेयर इन देयर स्पेसिफिक नीश। इन रिलैक्सो केस इट इज द लो एंड ऑफ द फुटवेयर मार्केट, दे ऑलरेडी हैव 20-30% शेयर, बट दे आर नॉट अ डोमिनेंट फ्रेंचाइज इन देयर एंटायर फुटवेयर मार्केट। हालांकि दोस्तों इनका मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट डोमिनेंट। तो यहाँ पर दोस्तों स्कोप काफी है इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का, ये भी आपको मैं आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा। लाल पैथ लैब के बारे में भी दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि इनका जो है अभी काफी अच्छा प्रेजेंस है नॉर्थ इंडियन रीजन में, लेकिन अगर पैन इंडिया की बात करें तो स्टिल दे आर नॉट डोमिनेंट। तो यहाँ पर भी दोस्तों काफी अच्छा स्कोप है। और अगले 10 सालों की बात करें तो ये कह रहे हैं कि करीब 20 से 25 बिलियन का मार्केट कैप इन दोनों कंपनीज का हो सकता है, जो अभी अराउंड $3 बिलियन से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 10 सालों की बात हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इन्होंने यहाँ पर बताया है। रिलैक्सो और डॉक्टर लाल पैथ लैब कैन बिकम 10x इन 10 ईयर्स एज दे ग्रो इन दी ब्रॉडर मार्केट। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बोला है कि मतलब इन्वेस्ट इन ए फ्रेंचाइज विद अ ग्रेट पेडिग्री। तो पेडिग्री की जब बात हो रही है दोस्तों, रिलैक्सो का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पिछले 10 सालों के बहुत ही बेहतरीन है, और डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें दोस्तों, गजब का मैनेजमेंट है, और इनके जो बैलेंस शीट है और जो नंबर्स हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ये है दोस्तों जो उन्होंने कहा है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं दोनों कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों रिलैक्सो की, लीडर है वैल्यू सेगमेंट में, और वैल्यू सेगमेंट में दोस्तों लीडर होना सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया के जो पॉपुलेशन है मिडिल इनकम ग्रुप है, तो यहाँ पर रिलैक्सो को दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जिस प्रकार के इसके ब्रांड है शानदार दोस्तों, यहाँ पर इक्विटी है, ब्रांड इक्विटी, रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, हाई ब्रांड इक्विटी है जैसा हम बात कर रहे हैं। और इंडस्ट्री के डायनेमिक्स की बात करें तो देखिए फेवरेबल डायनेमिक्स है इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री के, अभी आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे डायनेमिक्स आगे पैन आउट होते हुए नजर आएंगे। लीडिंग प्लेयर है वैल्यू सेगमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जीरो डेट कंपनी है, जो कि एक सबसे बड़ा दोस्तों पॉजिटिव है। अब चलिए बात करें इंडस्ट्री के डायनेमिक्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है अभी भी फुटवेयर की जब बात होती है। पर कैपिटा कंजम्पशन ओनली दोस्तों यहाँ पर 1.6 पेयर पर एनम है, अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 3 पेयर। मतलब ग्लोबली लोग 3 बार दोस्तों साल भर में अपने जूते चप्पल चेंज कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी ये 2 से भी कम है। और बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर 6 से 7 जोड़ी जूते दोस्तों होते ही हैं सबके पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा, यहाँ पर इंडिया में फुटवेयर का मार्केट दोस्तों और ज़्यादा पेनिट्रेट होगा, जिसका फ़ायदा रिलैक्सो को डेफिनेटली होने वाला है। और आप देखें तो अगर इंडिया शेयर जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट में ओनली 2% का है, लेकिन चाइना की बात करें तो 40% का। तो चाइना अभी 40% एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ओनली 2% एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अभी रिलैक्सो में बची हुई है। और चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड्स एंड बैक्ड बाय स्ट्रांग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डायनेमिक्स हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर को काफ़ी एक बड़ा बेनिफिशियरी बना सकती है, और 10x होने का पोटेंशियल दोस्तों रिलैक्सो इंडस्ट्रीज़ रखता है, क्योंकि अभी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है फुटवेयर की जब बात होती है। अगला है दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, लीड लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है कंट्री की, मोर देन 200 लैब्स है कंट्री में, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। अब बात करें
इसके थोड़े से बिजनेस ओवरव्यू की तो आप देखेंगे लीडिंग एंड ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनी। अब ट्रस्टेड दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है ट्रस्ट होना, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ होम कलेक्शन की तो किसी पे आपको ट्रस्ट होगा तभी दोस्तों आप उसको होम घर पे बुलाते हैं कलेक्ट करने के लिए सैंपल, चाहे ब्लड सैंपल हो चाहे कुछ भी टेस्ट हो। तो ये ट्रस्ट दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ है और ये ट्रस्ट दोस्तों यहाँ पर इसको एक मतलब क्लास अपार्ट बनाता है। 70+ ईयर का एक्सपीरियंस देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। 85.7 मिलियन पेशेंट सर्विस इन लास्ट 5 ईयर्स और देख सकते हैं आप कई सारे इनके पास जो है लैब्स है ऑलरेडी एक्रीडेटेड। और इसमें हम बात करें देखिए 231 लैब ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट नेटवर्क है। ROC ROE के नंबर तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ये आप सभी को पता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर 2508 पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मीनू। तो ये हो गया डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में एट ए ग्लांस। अब बात करें हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यहाँ पर इंडिया में। 1.42 बिलियन की दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है 2022 तक। इंडिया की GDP जो है करीब आप देख सकते हैं 2678 बिलियन डॉलर्स की है और 2.5% पब्लिक स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन हेल्थ केयर इन FY25। तो ये स्पेंड दोस्तों डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और आपने देखा होगा दोस्तों अभी हाल ही में जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने हेल्थ केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है फंड्स अलोकेट किए हैं, यहाँ पर मार्केट में हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि पता चलता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट है जो डेफिनेटली ग्रो करेगा यहाँ से आगे आने वाले समय में, जैसे कि आप यहाँ पर स्टैट्स में देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है GDP के मुकाबले अभी इंडिया में करीब 3.6% है। जी हाँ दोस्तों, और ये डेफिनेटली धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाएगा। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं चाइना से लेकर US तक कितना हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, लेकिन इंडिया में अभी भी दोस्तों ये कम है। तो यहाँ से जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हमारा इमर्जिंग नेशन है, जैसे जैसे डेवलप्ड फेज की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ से ये जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में डेफिनेटली बढ़ेगा। और इनिशिएटिव्स मैंने आपको अभी रिसेंट जल्द अभी बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है। डायग्नोस्टिक सर्विस के लिए क्या यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, तो सबसे पहली बात आप देखिए दोस्तों $10 बिलियन का यहाँ पर इंडस्ट्री साइज है 2020 में, लेकिन 22 तक ये हो जाएगा $11 बिलियन का। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर ज़्यादा ग्रो होगी। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो डिमांड फॉर लाइफस्टाइल डिजीज रिलेटेड सर्विसेज टू ग्रो, तो ये दिन ब दिन आपको पता है दोस्तों पेंडेमिक अभी है उसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर कई चीज़ें हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल डिजीज दोस्तों आती रहती है कुछ ना कुछ, तो इसका यहाँ पर मार्केट तो कम नहीं होने वाला, डेफिनेटली यहाँ से बढ़ेगा। इंक्रीज इन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट फोकस ऑन प्रिवेंटिव डिजीज एंड वेलनेस स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग रिड्यूस डाउनस्ट्रीम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि डॉक्टर लाल पैथ लैब को आगे के लिए बहुत ही एक प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट जो है दिलाती है। और रिलैक्सो सेम केस विद रिलैक्सो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से भी दोस्तों ये पूरा पोटेंशियल रखती है आगे 10x होने का। तो ये हैं दोस्तों दो कंपनीज और इनके बारे में मैंने आपको आई होप अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।